कोविड-19 के प्रकोप ने लोगों को झिकझोर दिया है। नौकरी छूटने, वेतन में कटौती और बंद व्यापारियों के साथ लोग अपने व्यक्तिगत खर्चों की स्थिति पर पूर्व विचार करने के लिए मजबूर हैं। कोरोना काल ने लोगों को सही फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्व समझाया है। हर साल अक्टूबर के पहले बुधवार को लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रति जागरूक करने के लिए वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे मनाया जाता है। पैसे का सही इस्तेमाल ना करना आर्थिक चिंता का विषय बन सकता है। कोरोना ने लोगों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का महत्व बखूबी से सिखा दिया है। आप सेविंग की शुरुआत अपनी पहली नौकरी के साथ शुरू कर सकते हैं। खर्च के बाद अपने हाथ में जो पैसे बचते हैं उन्हें अपने हिसाब से सही जगह निवेश करना चाहिए। इस वृत्त शुरू किए गए निवेश आपका भविष्य सुरक्षित बना सकता है। आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड या आरडी सहित अन्य जगह निवेश करके आसानी से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। एक्सपर्टीज का मानना है कि अगर आप कम उम्र में निवेश करते हैं तो आपको इक्विटी लिंक स्कीम में निवेश करना चाहिए ताकि आपको अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न मिल सके। इसके लिए आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सलाह भी ले सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग से आप आने वाले आपातकालीन स्थिति के लिए भी तैयार रहते हैं, जैसे नौकरी छूट जाना या कोई हेल्थ प्रॉब्लम होना। फाइनेंशियल प्लानिंग ना सिर्फ आपके खर्चे बताता है बल्कि उन पैसों को कैसे खर्च करना है ये भी स्पष्ट रूप से बताता है। जितना हो सके पैसे बचाने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि बुरे समय में ये ऐसे ही हमारे काम आएंगे। आपको केवल जरूरी काम पे ही पैसे खर्च करना चाहिए। कारोबार और निवेश जगत से जुड़े तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV100 नेशनल।